eventually. अभी मास्क निकाल दिया है, कोई आसपास था नहीं. और ये है वो जरूर है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है फतेह सागर लेक का. थोड़े शॉट्स में डाल रहा हूँ इस लेक के, कुछ ऐसा दिखता है ये सब. और यहाँ पर डिटेल्स पे ज़रूर गौर कीजिएगा आप. ये मूर्ति देख रहे हैं, एक्चुअली ये मशाल रखने का यहाँ पर स्टैंड है. और छोटी छोटी डिटेल्स हैं, यहाँ पर कांच लगाया हुआ है. यहाँ पर जो है, मुझे इसकी यूटिलिटी मालूम नहीं है, सो मैं कोई बकवास करूँगा नहीं. पर कुछ काम बहुत ही आर्किटेक्चर बहुत ही मैग्निफिसेंट है, स्पेशली दिस ग्लास वर्क. सो अभी ये है सबसे ऊपर का आर्टिफिशियल गार्डन बना है. यहाँ पर बीच में एक छोटा सा फाउंटेन वाला है, अभी फाउंटेन बंद है पर हाँ. और वहीं लेक पिचोला का और उदयपुर सिटी का व्यू. और इतने अच्छे वॉकवेज. ये जो है पहले पीजन्स रखते थे मैसेजिंग के लिए, ये उनके तब के केजेस है. सिटी पैलेस की छोटी छोटी डिटेल्स में से एक ये है, ऐसे छोटे फाउंटेन्स, ऊपर कैरियर पीजन्स के केजेस, और ये कलरफुल वर्क्स, कार्विंग्स और ग्लासेस. और ऐसे कुछ व्यू, वहाँ पर एक काइट बैठी है. इस झरोके से है पैलेस का और सिटी का पूरा व्यू. ये अपना पैलेस और ये पूरी सिटी है. मेरा पर्सनल वन ऑफ द फेवरेट रूम इसकी वजह से. कुछ ऐसा दिखता है रूम, देखा. उसके बाद आता है ये रूम जहाँ पर सारी पेंटिंग्स हैं. और ये पिंक कलर का पूरा रूम है. यहाँ से ऑब्वियसली उदयपुर का व्यू. और ये है बताओ तो कांच का रूम ऐसे ऊपर. यहाँ के सारे रूम्स अलग अलग कलर थियरीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हैं. ये पूरी रूम ऐसे पेंटिंग्स से, हैंड पेंटिंग से बनी हुई है. आप अगर आप देखिए, पूरी रूम इस तरह से पेंटिंग से बनी हुई है और ऊपर ऐसा है. मतलब क्या आइडियोलॉजी थी इनकी जब इन्होंने ये सब बनाया. लिटरली हैट्स ऑफ टू द आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम ऑफ दैट एरा. इस फोर्ट को बनने में तकरीबन 400 साल लगे. सारी पीढ़ियाँ इस फोर्ट को बनाने में लग गई थी. जो आप माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हैं वो बहुत सारे टाइम के बाद ये हुआ है. सो इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग ऑब्वियसली. बहुत ही बड़ा फोर्ट है ये. आप अगर देखना भी चाहे तो आपको आधा दिन जितना लग जाएगा पूरा फोर्ट देखने को, आराम आराम से अगर देखें तो. सो आराम से टाइम निकाल कर आइए, बहुत ही अच्छी जगह है उदयपुर में देखने के लिए. और ये है अभी दूसरा व्यू. मैंने कहा था कलर थियरी, ब्लू कलर का पूरा है ये आर्किटेक्चर. और ये जरूखा सिर्फ आप देखिए, कितना सुंदर है ये पूरा पैलेस, बारीकियों से भरा हुआ है. माय मोस्ट फेवरेट रूम फ्रॉम द सिटी पैलेस दिस रूम. जस्ट लुक एट दिस. कितना माइन्यूट मिरर वर्क है, सारी इतनी अच्छी कि अगर एक को देखो तो दूसरी आप भूल जाओ. सर इतना अच्छा है सब सिटी पैलेस का. ये है ओल्ड आइवोरी डोर, रिस्टोर किया हुआ है. तो ये है हाथी के दांत का पुराना दरवाज़ा. ये जो दरवाज़ा पूरा बना है ये हाथी का दांत है. हाथी के दांत की आइवोरी से ये पूरा दरवाज़ा बना है, पूरा जो दरवाज़ा है वो.
ये रहा बिफोर, कुछ ऐसा था, थोड़ा रिस्टोर किया है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं किया, सिर्फ पेंट और वो कर दिया है। ये दूसरा सिर्फ वुडन डोर है, दूसरा आइवोरी डोर। मतलब यहाँ पर हाथियों को मारते नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये डोर बनाने के लिए हाथियों को मारते नहीं। कई लोग ये सोच के बैठते कि वो लोग हंट करते थे, नहीं, हाथियों को मारा नहीं जाता था, जो हाथी मर जाते उनके तुरंत दांत निकाल कर ये बनाया जाता था। और टाइगर्स का एक यहाँ पर काफ़ी सारा लिखा हुआ है कि राजा जी टाइगर शूट करते थे। जब टाइगर्स ओवर पॉपुलेट हो जाते थे और जब वो मैन ईटर हो जाते तब राजा जी टाइगर शूट करते थे या तो फिर उन्हें कैप्चर कर लेते थे। सिर्फ यही था, वो कोई पागल नहीं थे, वो सब अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपने जंगलों को भी जानते थे, वो उनको इतना ही इम्पोर्टेंस देते थे जितना कि अपनी प्रजा को। और ये है दूसरा रूम। सभी में कलर थियोरीज जो मैंने डिटेल्ड बोला है वो है। इंटरेस्टिंग चीज, राजा का टॉयलेट। सच में रॉयल्टी तो रॉयल्टी ही है। कुछ ऐसा व्यू है अभी। महाराजा को दिए गए गिफ्ट बॉक्सेस, ऐसे गिफ्ट तो निकाल लिए गए ऑब्वियसली। सच में दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। ये है सूर्य गुफा, मतलब ये निकाल दिया जाता है तो सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ता है। महाराणा प्रताप या मेवाड़ का जो पूरा वंश है वो था सूर्यवंशी राजपूतों का, तो उनके सूर्य देवता मेन होते हैं, तो सूर्य देव की बड़ी सी वो जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये सोने और कॉपर से मिक्स करके एलॉय से बनाई गई है पूरी। और ये पीछे जो देख रहे हैं आप ब्लेड है, बहुत ही अच्छी बनाई है। ये जो है, ये जो चौक है इसे मोर चौक कहते हैं, और इसके हर तरफ कांच की मोर की ऐसी पैटर्न्स बनाई गई है। सारे मोर बीच बीच में आप देख सकेंगे। यहाँ पर ऐसे बड़ा एक है पीकॉक की, कुछ इस तरह से सब पैटर्न्स बनाई गई है। ये था वीआईपी लोगों के लिए, जब सभा भरती थी तब वीआईपी लोग सिर्फ इतने चौक बैठते थे और राजा उस जरूखे पर बैठकर ये चौक एड्रेस कर देते थे। अभी हम जा रहे हैं क्वींस पैलेस कॉरिडोर टाइप के, छोटे छोटे बेहद ही खूबसूरत कॉरिडोर्स। और एक संत जुड़े हैं जो है संत मीराबाई, जिनके भजन आपने शायद सुने हो। ये उनका कब्र, ये है संत मीराबाई का प्राइवेट अपार्टमेंट जिसका नाम है ब्रज विलास। और ये लिखा है राजमाता श्री गुलाब कुंवर जी। गुलाब कुंवर जी मीराबाई का असली नाम है, प्राइवेट अपार्टमेंट मतलब। ये हैं किशन जी, क्या ऑब्वियसली मीरा वहाँ किशन जो कहते थे। ये हैं उनका, ये उनके पति हैं, और ऐसा पूरा ग्रीन इंटीरियर है। ये है पैलेस का वो पार्ट जहाँ पर आम सभा रखी जाती थी, और अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। ये पूरा जो पार्ट है हॉलवे, वहाँ पर राजा बैठते थे, और यहाँ पर सारे शाही परिवार, उस साइड रानी और वो सब उस चरुखे के पीछे बैठते थे। और ये रहा आम सभा का फेस्टिवल्स के वक्त का। जो पूरे रूम्स हैं वो सब पुराने आर्किटेक्चर्स, मंदिर के जो कार्विंग्स थे वो सब रखे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगर आप आगे आए यहाँ पर है सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और पुराने वादक जो रखे गए। अभी पूरा नया एडिशन किया गया है सिटी पैलेस में, फोटोज़ हैं और उसी फ़ोटो की पेंटिंग बनाई गई है।
हर जगह वैसा ही है। ये है फोटो, ये है पेंटिंग, फोटो एंड पेंटिंग। पूरा सिटी पैलेस की ये आर्ट गैलरी है, काफ़ी सही आर्ट गैलरी है। और यहाँ पर सारे राजाओं के इंफॉर्मेशन और वो सब। ये है पूरा रूम डेडिकेटेड टू द क्लोथ्स द राजा वोर, एंड सारे वही टाइम के क्लोथ्स हैं ऐसे सब, काफ़ी डिटेल है सब कुछ। ये हाथी के ऊपर रखने के लिए सब कुछ है, बहुत सारा है। यहाँ गाइड से पता चला कि ये जो पालकी रखी गई है इस पर जो वर्क किया गया है यहाँ पर वो प्योर सोने का वर्क है, प्योर गोल्ड का वर्क है। सो कितना माइन्यूट सारे वर्क होते थे। और यहाँ पर दूसरी पालकियाँ और रथ रख, जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही खूबसूरत है ये सब और बहुत ही डिटेल वर्क किए गए हैं। देखिए आप ये जो सब मैं आपको बता रहा हूँ वो उदयपुर पैलेस का 30% भी नहीं होगा, सिर्फ मेजर पार्ट्स मैंने आपको बताए। आपको सच में यहाँ पर आना पड़ेगा उदयपुर को एक्सपीरियंस करने के लिए, सिटी पैलेस को और हमारी हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करने के लिए। और सच में बहुत ही अच्छी जगह है, आराम से आपके 2 घंटे तो मिनिमम आपको लगेंगे, 1.5-2 घंटे, उससे ज़्यादा आप जितना टाइम ले उतना, मैं तो कहता हूँ आधा दिन लग सकता है अगर आप आराम आराम से सब देखें तो। आज हम थोड़े जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं तो हाँ 2 घंटे जितना हो गया। अभी हम शायद लेक पिचोला जाएंगे, थोड़ा और बाकी है सिटी पैलेस तो वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एक पार्ट रह गया था सिटी पैलेस का भी। ये जो है सारी फिल्म्स है जो यहाँ पर शूट हुई है। सो ये जो सारी फिल्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे फिल्म के शूट की थोड़ी थोड़े पार्ट्स यहाँ पर शूट किए गए हैं। काफ़ी सारी हॉलीवुड फिल्म्स है, काफ़ी सारी अपनी जानी पहचानी फिल्म्स है यहाँ की। सो जी हाँ, ये है हिसाब किताब सिटी पैलेस का। सो यही है, आपको कास्टिज्म और ये सब तो आपकी सोशल साइंस की किताबों में पढ़ा दिया जाता है, उसके पीछे का साइंस नहीं पढ़ाया जाता और क्या सच में प्रैक्टिस होता था वो भी नहीं। चीज़ मैंने जो सारी चीज़ें आपको फोर्ट के बारे में बताई वो सारी मैंने गाइड से सुनी हुई है आधी, और आधी मैंने रिसर्च करके इंटरनेट से पढ़ के आपको बताई है। सो मुझे ये, मेरी समझ लो कि ये सारी रिसर्च नहीं, एक दो पार्ट्स में मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मुझे नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर गलत था, बट मोस्ट प्रोबेबली आई एम ऑल राइट। और सारा जो था वो रिसर्च करके ही मैंने आपको बताया है, मिस इन्फॉर्मेशन देने की मेरी कोई भी ऐसी कोशिश नहीं है। पहले पूरा देख लिया, हम बाहर भी आ गए, अभी लेक पिचोला की तरफ जा रहे हैं। अभी पिचोला पहुंच गए और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट होगा थोड़ी देर में, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। ये हुई ना कुछ बात, इसे कहते हैं अच्छे व्यू वाली होटल। सो ये है यहाँ से व्यू, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। अभी पीछे म्यूजिक चल रहा है सो थोड़ी आवाज़ कम आएगी, बाकी व्यू तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। हेलो, और कुछ ऐसा व्यू है। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है अभी, और अभी डिनर ऑर्डर करेंगे, थोड़ा खाएंगे और थोड़ा चिल करेंगे यहाँ पर। आज आधी रात तक तो मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ, ये गारंटी है। तो सी यू गाइस लेटर। उदयपुर डे वन एंड्स हियर, राजस्थान की रोड ट्रिप का पहला दिन यहीं ख़त्म होता है। और अभी कल के दिन उदयपुर पूरी साइट सीइंग करेंगे, तो कल के दिन मिलते हैं। गुड नाइट।